हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, आपको याद होगा जब मैंने आपको रेट के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर होता है। ठीक है, तो वहां मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को देख के नहीं बता सकते हो, तो हमेशा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से। और मैंने बोला था कि ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जो भी डेटा दिया जाएगा आपको, एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही आप लोगों को? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का भी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस इन चार मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हो जाएगा। अब बच्चों याद करो, ये वाला मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं याद दिलाता हूं आपको। याद करो, आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में x इक्वल टू kT आया था। कैसे आया था? वहां हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था ना, हम लोगों ने, तभी तो वो आया था। तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। जो सारे फॉर्मुले डेरिवेशन किए थे इसी मेथड के थ्रू किए थे हम लोगों ने। फिर मैंने देखो सेकंड वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में x की वैल्यू क्या आई थी, a नॉट इंटू वन माइनस e की पावर माइनस kT आया था। वो भी कैसे आया था? वो भी हम लोग ने इंटीग्रेट करके लाए थे। तो वो क्या था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड था, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो मैं इसके ऊपर बस क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर दूंगा आगे चल के। ठीक है ना, चलो फिर तो अच्छी बात है। दूसरा देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड होता है। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। याद है, उन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ बनाए हुए थे बहुत सारे, फिर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारे ग्राफ बनाए थे। क्या क्या ग्राफ बनाए थे? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम बनाया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम बनाया था, अल्फा वर्सेस क्या बनाया था हम लोगों ने, वो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का बनाया था। ये सारी चीजें हम ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड था, यानी आपको सीधे ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ ये बच्चों कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों हर ऑर्डर के लिए ग्राफ बना चुके हैं, तो अगर आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट करा दूंगा आगे चलकर। तो ये दो के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चल के। तो ये दो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या होगा? हाफ लाइफ मेथड। और फोर्थ क्या हो गया? इनिशियल रेट मेथड। तो अब बच्चों देखो, मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही आप लोगों को? तो बच्चों देखो, अब हम लोग थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, हाफ लाइफ मेथड के बारे में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने को ट्राई करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन की बात कर रहा है, हाफ लाइफ टाइम इज हाफ व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4। ठीक है, तो इसको पहले मैं समझाने से पहले बताता हूं कि nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बच्चों याद करो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट की पावर एन माइनस वन के। तो nth ऑर्डर रिएक्शन में याद करो टी हाफ का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर देखो जाकर मिल जाएगा। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था ये टी हाफ लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। यानी बच्चों का मैंने यहां से बोला कि बताओ टी हाफ वन बाई टी हाफ टू, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? उसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? ए नॉट टू की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ए नॉट वन की पावर एन माइनस वन, क्योंकि टी हाफ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूं। अब अच्छा देखो, मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं देखो पॉइंट पर आता हूं। तो बोल रहा है हाफ लाइफ टाइम इज हाफ व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4। यानी बोल रहा है कि पहले अगर मान लो मैंने कंसंट्रेशन ए नॉट लिया था, ध्यान से देखना, अगर मैंने ए नॉट कंसंट्रेशन ली थी, ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किया,
पहले मैंने कंसंट्रेशन कितनी ली, ए नॉट ली, तो हाफ लाइफ टाइम कितना आ रहा है, मैंने मान लिया कि टी आ रहा है। अभी कैसे देखोगे, तो एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लो मैंने ए नॉट कंसंट्रेशन ली, ठीक है, अब ए नॉट से मैंने देखा, अब रिएक्टेंट टाइम टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ए नॉट से जब तक ए नॉट बाई टू हो जाएगा तो कितना टाइम लगा वो देख लिया, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो मैंने मान लिया कि टी आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4, यानी बोल रहा है कि ये, अब मैंने क्या बोला, एक बार एक्सपेरिमेंट लिया मैंने ए नॉट लेकर इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरी बार मैंने क्या लिया, ए नॉट बाई फोर लिया। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर ए नॉट बाई फोर लिया, मैंने यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 लेना है, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माना था, तो ये ए नॉट बाई फोर ले लिया। तो बोल रहा है जब इनिशियल व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4, तो हाफ लाइफ कितनी हो गई, हाफ हो गई। यानी बोला कि जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया ए नॉट बाई फोर लेके, तो जो अब ए नॉट बाई फोर से ए नॉट बाई फोर का भी हाफ, यानी ए नॉट बाई एट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो जो टाइम था वो इसका हाफ आ रहा था, यानी ये कितना आ रहा होगा, टी बाई टू आ रहा होगा। क्लियर है? तो बस आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या बच्चों देखो, मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ए नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1/4 n-1 आएगा, ठीक है। तो देखो मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूं, अब देखो यार टी से टी कैंसिल होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2^1 आ जाएगा। अब देखो 1/4 को मैं लिख सकता हूं 2^-2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, बहुत आसान है। तो यहां पर देखो बच्चों, इसमें कंपेयर करो, ये भी 2^2 है, ये भी 2^2 है, अब ये दोनों क्या होंगी, इक्वल टू का साइन लगा, मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी मतलब क्या होगा, 1 = होगा -2 × n-1 होगा, यानी यहां पर देखो n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, +1/2, यानी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्लियर है आप लोगों को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, ऐसे ग्राफ टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब ग्राफ बना होगा, पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। ग्राफ किसी के में भी टर्म में भी दे सकता है, रेट ऑफ, रेट वर्सेस टाइम भी दे सकता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दे सकता है, बहुत से टाइप से दे सकता है, ठीक है ना। तो मैंने एक जनरल बस एक एग्जांपल ले लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो अब पूछ रहा बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, चलो ठीक है बताते हैं हम लोग। तो बच्चों यहां से देखो आपको क्या दिख रहा है, तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि जो टी हाफ है ना, ये देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या होगा, ए नॉट की पावर इसके देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब ये वाली वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों याद करो, हम लोगों ने nth ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए नॉट की पावर एन माइनस वन होता है ना। तो बच्चों देखो इसको इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ए नॉट, ए नॉट देखो एन माइनस वन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, इस दोनों को कंपेयर करने पे वैल्यू आई एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, 4th ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो बच्चों देखो जस्ट अभी मैंने हाफ लाइफ मेथड के बारे में डिस्कस किया है, तो अब मैं 4th बताने वाला हूं, 4th क्या होगा, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है ना। तो 4th हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, ये इनिशियल रेट मेथड। तो बच्चों देखो लास्ट मेथड के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी से सी फॉर्म कर रहा है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन इन द 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो बोला है हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी हुई है, और बोल रहा है कि यहां पर 3 बार एक्सपेरिमेंट किया गया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना लिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी इतना लिया गया मोल पर लीटर में, मतलब दोनों सेम लिया गया। तो देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था, ये यूनिट लिखी है, वो कितनी आ रहा, कितना आ रहा था, 10
10 की पावर माइनस 4, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ए इतना लिया गया, बी इतना लिया गया, मतलब बी अब ट्रिपल कर, ए को कांस्टेंट रखा और बी को ट्रिपल कर दिया, तो देखा रेट की वैल्यू इतनी आ रही थी। फिर तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ए इतना लिया गया, बी इतना लिया गया, तो देखा रेट की वैल्यू इतनी आ रही थी। तो ये हम लोगों ने डेटा कहाँ से निकाला है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, ठीक है। तो पूछ रहा है रेट लॉ क्या होगा बताओ, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बच्चों याद होगा आप लोगों को, हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गिव सी दिया हुआ है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब ऑर्डर तो हम लोग देख के बता ही नहीं सकते हैं, वो तो हमेशा हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर x है और इसका ऑर्डर y है, ठीक है। अब देखो रेट लॉ लिखने के लिए मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है तो वो भी रख दो। अब ये तीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो यहां पर क्या होगा, देखो तीन इक्वेशन आपको दिए, देखो पहले क्या करोगे, a की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, b की वैल्यू यहां रख दो और रेट की वैल्यू यहां रख दो, तो के एक्स वाई में एक इक्वेशन बनेगी। फिर क्या करोगे, अब a की वैल्यू ये रख दो, b की वैल्यू ये रख दो, रेट की वैल्यू ये रख दो, फिर के एक्स वाई में एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे के एक्स वाई में तीन इक्वेशन बनेगी और तीन इक्वेशन होगी, तीन अननोन होंगे, सॉल्व कर लो आ गया आंसर, तो वहां पर के एक्स वाई तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे पूछ लेगा रेट कांस्टेंट बताओ तो भी आ जाएगा, बोलेगा बताओ एक ऑर्डर कितना होगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो एक ऑर्डर होगा, तो जो y की वैल्यू आएगी वो b का ऑर्डर होगा, जो k की वैल्यू आएगी वो रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इनमें क्या करोगे, तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू उठा के रखो तो तीन इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन वन बनेगी, टू बनेगी एंड थ्री बनेगी। तो जब इन तीनों को सॉल्व करोगे तो वहां से के एक्स एंड वाई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, क्लियर है आप लोगों को, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपल ऐसे ही सॉल्व करोगे, मेरी बात समझ में आ रही आप लोगों को। बट अगर आपसे अगर जेई या नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और टाइम भी कम लगना चाहिए, यानी एक मिनट से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ उसका, मैं रफ कर दूँ इसको, तो देखो जो शॉर्टकट क्या होगा इसका। तो देखो बच्चों यहाँ फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या बात है, देखो कॉमन ए की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। अब बी को ट्रिपल कर रहा है, तो बी को ट्रिपल किया यानी ए को चेंज नहीं कर रहा है, और बी को ट्रिपल किया तो रेट कितना हो गया, रेट 9 times बढ़ गया, यानी बोल रहा बी को जब ट्रिपल किया तो रेट क्या हो रहा है, 9 times बढ़ जा रहा है। इसका मतलब आइडिया लग गया कि मुझे y की वैल्यू कितनी होगी, यहां से y की वैल्यू 2 होगी, तभी इसको ट्रिपल करोगे तो 9 times हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, k तो कांस्टेंट होता है ना, तो रेट क्या होगा, देखो अब ये भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो बोल रहा बस b चेंज कर रहा, वो तो रेट चेंज हो गया, तो b चेंज करने पर रेट चेंज होगा, हाँ किस टाइप से होगा वो वस्तु में देखना है। तो b ट्रिपल किया तो रेट क्या हो गया, 9 times हो गया, मतलब y की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। फिर बच्चों देखो सेकंड और थर्ड से देखो, सेकंड थर्ड देखो, चलो छोड़ो फर्स्ट और थर्ड से देखो, तो फर्स्ट थर्ड में क्या कॉमन है, नहीं यही देखो, अब सेकंड थर्ड में देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखो 2.7 × 10⁻³ लिखा हुआ है, तो उसको देखो मैं पावर सेम कर देता हूं, तो मैं 27 कर दिया और 10⁻⁴ कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम बच्चों इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन दोनों को, तो देखो बच्चों बी को सेम रखा मैंने, ए को ट्रिपल कर दिया, ए को ट्रिपल किया तो रेट कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, 9 × 3 कितना हो गया, 27, यानी ए को ट्रिपल करने पर रेट ट्रिपल हो जा रहा है। तो बी को नहीं चेंज किया मैंने, अब क्या किया मैंने, ए को ट्रिपल किया तो रेट कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, इसका मतलब एक्स का ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि इसको ट्रिपल करोगे ये ट्रिपल कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, आ गया बहुत ही आसान था, यानी क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू 2 आ गई, यानी ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी का ऑर्डर कितना है, ये 2 ऑर्डर है। अगर मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को उठा के वैल्यू रख दो, तो रेट इक्वल टू क्या आ गया, रेट कांस्टेंट इनटू ए का ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, एंड बी का ऑर्डर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो ये हम लोग को क्या आ गया, रेट लॉ
एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को नोट कर लो। अगर आपसे रेट कांस्टेंट भी पूछ लिया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, ये कोई भी एक वैल्यू उठाओ, यहां रख दो तो के की वैल्यू आ जाएगी। तीनों से रख देना, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तो तीन बार के की वैल्यू आएगी, देखना तीनों वैल्यू सेम आएगी। तो तुम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो, के की वैल्यू सेम हर बार आएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए इसको।